कोरोना के मस्बत मामलात में इजाफा, पुलिस की जानिब से पूंछ बाजार में चलाई गई मुहिम, लोगों को कोरोना एसओपीस पर अमल करने की गई अपील, लोगों में मास्क भी किए गए तकसीम। मैं अवेयरनेस ओमिक्रॉन को लेके और कोविड की थर्ड वेव को लेके हम फैला रहे हैं। इसी जमन में आज हमने कुछ मास्क बांटे और लोगों को आगाह किया कि ये सख्ती, अभी वबा भी ख़त्म नहीं हुई है और आप ज़्यादा से ज़्यादा मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखें। बस अड्डा पुंछ का पैसेंजर शेड खस्ता हाली का शिकार, लोगों ने किया बरहमी का इजहार, शेड की मुरम्मती का किया इंतजामिया से मुतालबा। बस स्टैंड से बोल रहा हूँ, मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये दरख्वास्त करता हूँ कि जो हमारा ये बस स्टैंड जहाँ पे ये पैसेंजर शेड है, लोग बैठते हैं, कोई बाहर से आते हैं, यात्री आते हैं, उनको बैठने की सुविधा बिल्कुल नहीं है, होनी चाहिए। ये यहाँ से पूरा ब्रैक है, वहाँ से पानी आ रहा है, यहाँ रहने का कोई समझ नहीं है, कोई मुसाफिर का, कोई दूरी वाला, कोई जुम्मू वाला, कोई गाँव का उनका से आ रहा है, लेकिन इसकी देखभाल बहुत ज़्यादा है। बहुत उन्होंने एक अच्छी कमेटी बनाई इसके ऊपर, और जितने भी हमारे सेंसिटिव एरिया हैं, जैसे बस स्टैंड हो गया, ऑटो स्टैंड हो गए, इनके इर्द गिर्द जितने भी मुसाफिर खाने बनने चाहिए थे उनको आज तक इन्होंने बनाया नहीं है। मैं चाहूँ मैं अपना वहाँ पे चार्जिंग पॉइंट होती है, साथ में वहाँ देखने के लिए खड़ा होता है, वहाँ पर टेंट वगैरह हर साल या एक दो साल छूटते होते हैं, यहाँ पर नाश्ता, यानी कि जहाँ भी आप जाओगे वहाँ बिल्कुल, यानी कि कोई हवा को रोकने के लिए जगह कुछ नहीं है, बिल्कुल खुले में है, खुले कुत्ते वहाँ पर बैठे रहते हैं। श्री गुरु गोविंद सिंह जी के यौम पैदाइश पर बरामद होने वाला नगर कीर्तन इस बार नहीं निकाला गया, मौसम की खराबी की वजह से मुलतवी किया गया। गुरुद्वारा सिंह सभा के अहदेदारा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी जानकारी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज जिवें समो संगतां परिपांत जानू हन कि साहिब कमाल साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के प्रकाश पुरब के संबंध में अज नगर कीर्तन जरा डिसाइड किया गया कि कढ़िया जाएगा, पर ये नाल जो एक कंडीशन लगाई गई थी कि भाई अगर मौसम जरा है इजाजत देता है तो नगर कीर्तन जरूर कढ़िया जाएगा। वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी के साथ पंजाब में पेश आए वाका की पूंछ में की जा रही है मुजम्मत। भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा का एहतजाज, कांग्रेस का पुतला जलाकर किया गम गुस्सा का इजहार। वो जो कल जिस तरह से कल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सिक्योरिटी के अंदर ब्रीच किया गया, उस सिक्योरिटी को घेरा तोड़ा गया, उसके खिलाफ हमने प्रोटेस्ट किया, क्योंकि इस समय पंजाब सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। हमारी एक ही डिमांड है कि फौरी तौर पर वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। जनता युवा मोर्चा की तरफ से है पूरे जम्मू कश्मीर में और पूरे भारतवर्ष में जो आज प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, जैसे हमारे 130 करोड़ भारतीयों की जो है प्यारे प्रधानमंत्री जी को जो है कल पंजाब के अंदर जो है रोका गया, उनके ऊपर जो है हमला करने की कोशिश की गई। आपने देखा होगा कि 3 लाख से ज्यादा जो है हमारे कार्यकर्ताओं को रोका गया, उनको मारा गया। गुरु गोविंद सिंह जी के यौम पैदाइश के सिलसिला में प्रभात फेरियों का सिलसिला आज भी रहा जारी, अकीदतमंदों ने मुख्तलिफ रास्तों से गुजर कर किया अपनी अकीदतों का इजहार। मंडी के अड़ाई गांव में 1.5 माह कबल मारे गए एक नौजवान फैजान शरीफ की लाश कब्र से निकाली गई, लवाहिकीन ने कत्ल का खदशा जाहिर किया था जिसके बाद पुलिस ने की कार्रवाई। मेरा बेटे को यहाँ से घर से लेके घुमा के
हरियाणा में, तो ससल साथ में था, उसका सरेजिया उसका साथ में था। तो रात को 8 बजे मेरे साथ बात हुई, सुबह उसके मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया, तो लगाता रहा फोन नहीं लगा। 2 बजे सुबह तो वहाँ जाकर FIR दर्ज करवाई, वहाँ से आज टीम मुकर्रर होकर यहाँ पे आई। DC साहब के हुक्म के मुताबिक यहाँ की टीम भी साथ, मेडिकल की भी साथ, ये कब्र कुशाई कर रही है, तो इन्वेस्टिगेशन कर रही है क्या ये कत्ल किया गया है या कि एक्सीडेंट हुआ है। जी आज ये अड़ाई में फैज़ान अहमद सन्नह मोहम्मद शरीफ, हमारा जो एक नौजवान साथी था, उसकी आज से 1.5 माह पहले जो उधर पानीपत में मौत वाकया हो गई थी, और उस दिन वर्षा को ये कहा गया कि इसका एक टेम्पो से एक्सीडेंट हुआ है। महकमा समाजी बहबूद की जानिब से डाक बंगला पुंछ में कैंप का इनेकाद माजूर अफराद की गई निशानदेही, ताकि उनको मसनवी अज़ा और दीगर जरूरी सामान फराहम किया जाए। जिला सोशल वेलफेयर ऑफिसर ने कैंप के हवाले से की पूछताछ के साथ बाद दी तफसीली जानकारी। कर रहा है अलिम्पो की कोलैबोरेशन से, अलिम्पो जो है आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है। तो यहाँ पे जितने भी स्पेशली एबल्ड लोग हैं, तो जिनमें हमारे माजूर अशखास आते हैं, अगर मतलब अगर किसी को लात की प्रॉब्लम है या किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम है, वो चल नहीं सकता वगैरह, तो उसके लिए व्हील चेयर, क्रचेज, आर्टिफिशियल लिम्स, अगर किसी की लात नहीं है तो वो यहाँ पे डॉक्टर्स आए हुए हैं। अभी असेसमेंट कैंप चल रहा है, तो उनकी असेसमेंट की जा रही है, उनकी माप दे रहे हैं। फौजी अहलकार अनिल सिंह चौहान, जो इंडियन फॉरवर्ड पोस्ट पर तैनात थे, गुज़िश्ता रोज एक हादसे में मौत का शिकार हुए। आज उनकी लाश सब जिला अस्पताल महेंडर ले जाई गई, जहां पर कानूनी कार्रवाई के बाद उनकी लाश को आबाई वतन रवाना किया गया। जिला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर ने की ज़रा अबलाग के नुमाइंदगान के साथ बात, श्रीनगर के लोगों को एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की अपील। कहा COVID-19 और ओमिक्रॉन किसी का लिहाज नहीं करता, जो भी गलती करेगा वो उसका शिकार होगा। उसके साथ यहाँ पर भी केसेस में देख रहे हैं आप डेली इंक्रीज, तो ऐसे में जो कोविड प्रोटोकॉल है उसको और स्ट्रिक्टली फॉलो करने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि कोई वायरस नया नहीं है, अब लगभग 2 साल से ज़्यादा अर्सा गुजर चुका है हम इस वायरस से जूझ रहे हैं, और ऐसे में ज़रूरत इस बात की है कि हम ये फुल्ली हर कोई शख्स, एक एक शख्स अपनी जिम्मेदारी समझे कि अगर हम प्रोटोकॉल को ब्रीच करेंगे तो वायरस से माफ़ी नहीं मिलेगी। वायरस किसी का हमदर्द नहीं है, वायरस जहाँ वायलेशन नज़र आती है वहीं अटैक करता है, और हम इस चीज़ को दावत बिल्कुल न दें।